नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपका जो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ, जितने दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे अपने पॉलिटेक्निक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आपका कब घोषित होगा, इंतज़ार आपका अब ख़त्म हो गया। आपका जो रिजल्ट जो अनाउंस होगा उसकी डेट जो है आ चुकी है BTUP की तरफ से। तो दोस्तों, मैं यही इंफॉर्मेशन बताने के लिए आज वीडियो बनाया है कि hindustan.com ने सबसे पहले ये न्यूज़ दी है कि आपका रिजल्ट जो है 13 को घोषित होगा। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इस न्यूज़ में। पहले तो ये लिखा हुआ पॉलिटेक्निक वार्षिक परीक्षा परिणाम 13 को, मतलब 13 को फिक्स हो गया है कि 13 को ही आपका परिणाम घोषित होगा। तो चलिए समय देख लेते हैं कि किस समय आपका परिणाम घोषित होगा। तो समय जो दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक वार्षिक परीक्षा के नतीजे 13 अगस्त 2019 2:30 PM घोषित किए जाएंगे। तो आपका रिजल्ट जो है मंगलवार को 13 अगस्त को 2:30 PM 1 बजे के करीब रिलीज हो जाएगा। तो आपको अपना रिजल्ट बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। पहले ये परिणाम जो था 11 अगस्त को आने थे, तो BTUP ने सोचा 2 दिन का समय लिया, तो इन्होंने एक इसमें बहुत बड़ा चेंज किया है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चेंज किया है इन्होंने। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं और थर्ड ईयर के छात्र हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है उनको 2 दिन लेट आने से रिजल्ट। तो आइए चलिए पढ़ते हैं क्या न्यूज है। लेकिन परीक्षा समिति ने तिथि बढ़ा दी, 2 दिन बढ़ा दी तिथि, अब मंगलवार को परिणाम आएंगे। प्रावधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने के मुताबिक इस बार पॉलिटेक्निक के परिणाम में बदलाव हुआ है। 2 दिन जो रिजल्ट आपका जो लेट हुआ है, उस लेट जो इसी चीज़ की वजह से लेट हुआ है। इसमें जो संजीव कुमार सचिव जो हैं, उन्होंने चेंज किए हैं, चेंज क्या किए हैं, टॉपर की सूची, जो टॉपर हमारे चूज किए जाते थे उनकी सूची 1-वर्षीय 2-वर्षीय और 3-वर्षीय पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयार होगी। पहले जो हमारे रूल्स थे इस साल तक, तो टॉपर जो अपना घोषित किया जाता था BTUP की तरफ से, 3 साल के जो रिजल्ट थे उनको मिलाकर घोषित किया जाता था। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, इसमें हर साल टॉपर घोषित किए जाएंगे कि फर्स्ट ईयर का टॉपर कौन है, सेकेंड ईयर का टॉपर कौन है और थर्ड ईयर का टॉपर कौन है, ये बदलाव हुआ है। अभी तक 3 पाठ्यक्रम को मिलाकर ही टॉपर सूची बनती थी। तो दोस्तों, ये जो न्यूज बाहर निकल कर आई है टॉपर वाली, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में टॉपर आपके अलग अलग होंगे, पहले जो था 3 साल का मिला के जब लास्ट में आपको डिप्लोमा मिलता था तब आपका टॉपर घोषित किया जाता था, अब जो है 3 साल आपको अलग अलग टॉपर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा मकसद था यही आपको बताना कि आपका रिजल्ट की जो डेट है वो आ चुकी है। परेशान ना हो कोई भी स्टूडेंट, रिजल्ट सबका अच्छा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।